हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो क्या हुआ था, शॉर्ट हो। ये तो मैंने इसलिए बनानी शुरू कर दी कि वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं भाई, दो दिन पहले तक ना बड़ी क्या कह सकते हैं घमासान गर्मी थी। कल तक घमासान गर्मी थी, रात को हल्की हल्की ठंड हो जाती थी, पर वो भी मतलब था कि गर्मी माना जाता है यहाँ के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा घमासान गर्मी थी। पर आज पूरे दिन बारिश हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो पीछे सरी सेंट्रल का एरिया, वो एरिया ये वाली मेरे घर की तरफ सड़क जा रही है, एंड ये पूरा वैली एरिया बोलते हैं इसको। एक बार बताऊं आपको, हम सोचते हैं कि स्कॉट रोड वाला एरिया सेफ़ नहीं है, बाकी एरिया सेफ़ नहीं है, पर जो सरी का वैली एरिया है ना, वैली एरिया जिसको बोलते हैं, वो सबसे अनसेफ एरिया है जहाँ हम रहते हैं, मैं, हरमीत, लुम्बा और वो क्या नाम है, वंश। वैली एरिया ही सबसे ज़्यादा अनसेफ है, सबसे ज़्यादा क्राइम। मोस्टली पहले के टाइम पे ना गैंगस्टर्स वगैरह घूमा करते थे यहाँ पे, आपका तो पता नहीं, मतलब ठीक है सर्दियों में पता चलेगा, समर्स में ऐसा पता नहीं चलता, पर सर्दियों में पता चलेगा जब बहुत कम लोग बाहर निकला करेंगे ना, बहुत कम लोग, मतलब ऑब्वियसली बात है इतनी ठंड पड़ती है, कौन पता, इतने लोग नहीं निकलते बाहर। अब जो लोग बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी की जॉब का क्या हिसाब है, तो सिक्योरिटी की जॉब का हिसाब भी ना गाइस सर्दियों के टाइम पे होता है कि सर्दियाँ अगर ज़्यादा तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अभी क्या है कि समर्स चल रही है, समर्स में ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो इतना चोरी का ना होता नहीं है हिसाब, तो समर्स में ऑब्वियसली लोग बाहर निकलते हैं तो चोरी का हिसाब होता नहीं है। एंड विंटर्स में इसका उल्ट हो जाता है कि विंटर्स में लोग कम बाहर निकलते हैं, तो ऐसा कोई भीड़ नहीं होती, तो इजली चोरी हो सकती है, तो सिक्योरिटी की शिफ्टें भी जब ही अवेलेबल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है माइनस के टेम्परेचर में भी लोग सिक्योरिटी की शिफ्टें अवॉइड करते हैं, बहुत लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आपको सिक्योरिटी की शिफ्टें मिल सकती हैं। और अब से पिछले 10 से 12 दिन से ना गाइस क्या कह रहे हैं कि मौसम, मतलब अगले कल भी पूरे दिन बारिश है, शुक्र है कल मेरी छुट्टी है, ठीक है, कल मेरे को मेरी 1:30 ऑनलाइन क्लास है, उसके बाद पूरे दिन वेल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सोएंगे कल, तो भाई बहुत दिन हो गए चैन से सोया नहीं हूँ। ये कनाडा में आके ना स्टार्टिंग के 2 महीने, मतलब आप सोच लो कि मैं आखिरी बार ढंग से अप्रैल, मई, जून, मई में सोया हूँ आखिरी बार ढंग से, तो ये बाहर आए हम सोने नहीं आए, ऑब्वियसली बात है मेहनत करने आए हैं, और नींद तो बाद में पूरी होती रहेगी, प्रिपेयर हो गया ना, एक टाइम पे आने के बाद आपको अपनी स्लीप भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो अगर करनी पड़ेगी जॉब के लिए तो कर लेना यार, क्योंकि नींद तो ना आगे भी पूरी हो जाएंगी, पर वो अगर आप नींद के चक्कर में जॉब छोड़ोगे ना, तो वो चीज़ें बाद में ना रिग्रेट कराती हैं। अबे बाल कैसे हो रखे हैं, यही दिक्कत है बस कट कराने का ना, बाल ढंग से सेट नहीं होते, अभी तो फेस ट्रीटमेंट वगैरह भी कराना है, क्योंकि समर्स में ना यहाँ से स्किन जल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के तरह धूप, मतलब इंडिया में भी बहुत, इंडिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पर यहाँ पे का हिसाब है कि यहाँ पे ना एलिवेशन, हाई एलिवेशन पे एसिडी है, तो धूप सीधा पड़ती है। एक और रीज़न है, कई लोग बोलते कि हाई एलिवेशन पे है सीधा धूप पड़ती है उससे सनबर्न हो जाएगा, ऐसे नहीं होता गाइस, सनबर्न होता है कि जब हमारी, तो अभी मैं आया था दिसंबर में, ठीक है, जब मैं दिसंबर में आया था ना, तो उस टाइम पे टेम्परेचर था -3 -4, और एक टाइम पे भी टेम्परेचर -12 भी चला गया था, देख रहे हो भाई, मरेगा जी, क्या कर रहा है इसने, मछली वाला आ रहा था, उससे हमने बाहर की रोड क्रॉस कर ली, क्या यार थोड़ी देर रुक, इंडिया में भी लिखा होता है कि जल्दी से देरी वाली, ठीक है, तो हाँ बैक ऑन द कॉन्सेप्ट वापस आते हैं कि इंडिया में भी, सॉरी यहाँ पे दिसंबर में टेम्परेचर था -4 -3 -5, एंड फेब में एक टाइम ऐसा आया था कि -12 भी चला गया था, जो पूरे 100 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वैनकूवर ने ठंड के मामले में, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो उस टाइम पे क्या होता है स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, एंड जो हीट होती है ना अंदर बॉडी की वो बाहर नहीं निकलती, जिससे बॉडी अपने आप को गर्म रखती है। तो अब क्या है कि
वो पोर्स खुलते नहीं हैं या जो भी दिक्कत चीज़ है उन पोर्स की वजह से आपको होता है सनबर्न, क्योंकि आपकी स्किन को आदत पड़ जाती है ठंड की। तो अब जो बंदा यहाँ पे लगातार 2 साल रह लिया और इंडिया नहीं गया और 2 साल के बाद इंडिया जा रहा है तो उसको डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है गर्मी में भी ऑब्वियसली। और उसको वहाँ की जैसे इंडिया में ठंड होती है नॉर्मल 15-16 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री, तो उसको वो 12-13 डिग्री वाली ठंड भी कुछ नहीं लगेगी क्योंकि वो यहाँ पे माइनस का टेम्परेचर झेल के गया होगा। जैसे अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, यहाँ का एक फ़ायदा हो रहा है कि पूरे दिन बारिश भी हो रही हो ना तो आप इतना लेवल का भीगोगे नहीं, क्योंकि किन किन बारिश होती है किन किन मतलब बूंदाबांदी हल्की हल्की टिप 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 मतलब टिप टिप बरसा ऐसे करके होती है। कॉपीराइट आता आजकल अगर आप जैसे अगर मैंने कोई गाना गा दिया टी सीरीज का, भले ही मैंने प्ले नहीं करा हो फिर भी मैंने गा दिया तो टी सीरीज अब गाना गाने पे भी कॉपीराइट मार देता है। तो देख के भाई, तो इससे मैंने पूरा गाना कंप्लीट नहीं किया, कई इस वीडियो से जो भी इनकम आने वाली हो वो टी सीरीज ले जाए अपना ऐसे ही होता है। और क्या कह रहे थे कि वैंकूवर इसलिए ही सबसे बेस्ट है कैनेडा में कि यहाँ पे आप हर एक वेदर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इसको इसका इसको वैसे लोग मीम के मतलब ऐसे मजाक में ना वैंकूवर की जगह रेनकूवर भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैनेडा में मतलब कैनेडा में वो शहरों में से आता है जहाँ पे हद से ज़्यादा बारिश होती है। होती है भाई, आज पूरे दिन से चल रही है, अभी भी चल रही है हल्की हल्की, पूरी रात है आज, कल पूरे दिन है, परसों हल्की हल्की बूंदाबांदी है, क्लाउडी दिखा रखा है, उसके अगले दिन फिर क्लाउडी है, फिर 3 दिन सूरज धूप ज़बरदस्त। और इंडियंस के हिसाब से ना वैसे लोग सोचते हैं कि वैंकूवर बहुत महंगा है, वैंकूवर में नहीं आना चाहिए। भाई इंडियंस के हिसाब से ना अगर आपको ठंड अवॉइड करनी है ज़्यादा, आपको एक्सट्रीम वेदर अवॉइड करना है, तो आपके हिसाब से इंडियंस के हिसाब से ना तो वैंकूवर बेस्ट सिटी है रहने के लिए। अब किसी की बातों को या फिर रिलेशंस या फैमिली रिलेशन देख के अगर आप टोरंटो जा रहे हो ना जस्ट बिकॉज की फैमिली है, तो एक बार आप वैंकूवर को भी कंसिडर कर लेना, क्योंकि वैंकूवर रहने के हिसाब से बढ़िया है। और जो ये पूरी स्ट्रीट है ना वाली एरिया है, ठीक है, ये पूरा आपको ओरिजिनल वाली एरिया दिखाता हूँ, ठीक है, ये पूरा एक टाइम पे सबसे अनसेफ एरिया था कैनेडा का, सरी का वैसे कैनेडा का ही बोल दो क्योंकि सरी सबसे ज़्यादा क्राइम रेट वाली सिटी है, ठीक है, पूरे कैनेडा में है भाई, मतलब होते हैं यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ होता पर हमें पता नहीं चलता। और दिखा तो वो वाली एरिया जहाँ से वो गाड़ियाँ मुड़ रही है ना, वो पूरा ओरिजिनल वाली एरिया है। अभी ठंड होनी शुरू हो गई है, कल था ऐसा कि मैं ये जैकेट जो मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ है ना इसमें भी गर्मी लग रही थी मेरे को, पर अब ऐसा है कि इसमें भी ठंड लग रही है और अभी समर्स चल रहे हैं इनके एक्सट्रीम। तो वही है कि देखते हैं, और आज तो शायद फायरवर्क शोज भी है भाई, बस वेडनेसडे को बारिश ना हो क्योंकि हमें जाना है रात को फायरवर्क्स देखने, थर्सडे को मेरी छुट्टी है तो हम वेडनेसडे को फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं, क्योंकि कैनेडा का वन ऑफ द बिगेस्ट फायर मतलब 3 दिन फायरवर्क्स होता है जिसमें बोट या शिप से फायर मतलब फायर करो पटाखे छोड़े जाते हैं, और उससे मतलब जैसे इंडिया में होता है ना स्काई शॉट्स छोड़ते हैं हवा में, वो बनती हैं यार डिज़ाइंस बनते हैं, वैसे ही है यहाँ पे भी, ठीक है। और ये ट्रेल बना रखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए पैदल, ये यहाँ पे आप साइकिलिंग भी कर सकते हो ट्रेल में, ठीक है, वहाँ उस साइड पूरा प्रॉपर साइकिलिंग ट्रेल है जो थोड़ा स्टंट वगैरह हो गया कलाबाजी होगी वो मार सकते हो। ये प्रॉपर क्या नाम है जिस पर मैं चल रहा हूँ ना अभी, इसको प्रॉपर ये साइकिलिंग और वॉकिंग एरिया है, ठीक है, ये भी साइकिलिंग लेना है। कैनेडा में एक चीज़ बेस्ट है कि आपको ना गाड़ी चलाने का पूरा मतलब आ जाएगा, पूरा हिसाब पता लग जाएगा, पूरा रूल पता लग जाएंगे कि क्या है, ठीक है। बाकी तो जब इंडिया जाओगे ना वापस, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे मैं गाड़ी नहीं चला रहा, अब मैं चलाने भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे को लगता है डर, गाड़ी चलाने से डर नहीं लगता, मेरे को लगता है चलाने से डर, क्योंकि इंडिया में क्या था कि पापा से बात करा दी, दोस्त से बात करा दी, रिश्तेदार से बात करा दी, 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, छूट गए। यहाँ पे काटते साढ़े 200-200 डॉलर की टिकट, और 300 डॉलर की टिकट, 400 डॉलर की टिकट, 600 डॉलर की टिकट, किस्तों में टिकट काटते हैं, उनके मन के ऊपर होता है, रूल के हिसाब से जितने की टिकट पड़ रही होती है ना वो साढ़े काट देते हैं। तो यही है कि मैं गाड़ी लेने की यहाँ पे अभी तो नहीं सोचता, पूरा सेटल होने के बाद भी मैं सोचूंगा कि गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक
यही है कि सेटल होने के बाद ही लेनी बनती है गाड़ी, बेस्ट प्रूफ ही नहीं करनी, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में भी यही बोलता हूँ कि पहले सेटल हो जाओ फिर गाड़ी देखना, ठीक है। तो अभी देखते घर जाते हैं। आज हरमीत की सफाई की बारी है, हमने क्या करके हर वीक ना सफाई बांट रखी है, तो उसके ऊपर देखो गाइस ये आ गया वन एंड ओनली वाली एरिया, जो पीछे मेरे सड़क देख रहे हो ना आप, ये है गाइस सबसे अनसेफ सड़क, सबसे जो सबसे अनसेफ एरिया माना जाता है। मैं सोचता था पहले जहाँ मैं रहता हूँ ना सेफ है, पर पहले के टाइम पे सबसे अनसेफ एरिया था। 140 स्ट्रीट है ये कैनेडा की, बहुत बड़ी है भाई ये, तो पहले के टाइम पे बहुत अनसेफ मानी जाती थी, अब का पता नहीं, पर सुना है मैंने इसके बारे में, इसको तो ओरिजिनल वाली एरिया कहते हैं जहाँ पे गैंगस्टर्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा सीन था। अब तो है नहीं, घर जाते हैं। 8 seconds ब्रो, यहाँ पे लुक एट 8 seconds, फक मैन। तो यही है, अभी लड़ाई हो गई थी मेरी, ठीक है। अबे क्या मतलब देसी लोग ना, सच बता रहा हूँ मैं, इनको नहीं आता रहना सहना यहाँ पे, बाहर आके भी यही हरकतें करते हैं, इनको सामने वाला देसी दिख जाए ना ये और ऊपर से चढ़ते हैं। मैं आगे से मैंने बोल दिया मेरी 8 seconds है, मैं जा रहा हूँ, तेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यही था भाई, मेरे को मौसम दिखाना था, थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी आपसे, मानता हूँ इस व्लॉग पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, पर टिल देन डू व्हाट आई वांट टू डू नॉट ट्रबल मॉम एंड डैड। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।